मध्य प्रदेश के रीवा में संजय गांधी अस्पताल में एक दर्जन लोगों ने नशे की हालत में की तोड़फोड़। संजय गांधी अस्पताल में हुई तोड़फोड़, एक दर्जन की संख्या में आए लोगों ने की तोड़फोड़। जूनियर डॉक्टरों के साथ जमकर हुई मारपीट, मारपीट करने वाले सभी थे नशे की हालत में। अपने दोस्त के एक्सीडेंट होने के बाद इलाज के लिए आए थे रीवा के संजय गांधी अस्पताल। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। डॉक्टर स्ट्राइक में जाने की दे रहे चेतावनी, अगर आरोपियों को जल्द नहीं पकड़ा जाता है तो करेंगे स्ट्राइक। देर रात की घटना, इस घटना के चार आरोपियों को अमहिया पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। जो कैजुअल्टी में कार्यरत डॉक्टर थी, कुछ लोग दारू पी के आए, उनके साथ एक घायल मरीज था जिसको हमने एडमिट कर लिया था। उसके बाद में बदतमीजी कर रहे थे कि हम उसका इलाज नहीं कर रहे, जबकि उसको हम आईसीयू भेज चुके थे उस समय तक, और बाकी मरीजों को इलाज में इनको जरा धमका रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, अभद्रता उनके साथ कर रहे हैं, बाकी मरीजों का इलाज में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, बोले बाकी नहीं करो, सिर्फ उनके मरीज का इलाज करो। सर तोड़फोड़ भी की है अस्पताल में, वहाँ पर गाली गलौज की कुर्सी से मरीज को एक्सरे कराने के लिए भेजा, एक साथ 100 नेता लेकर आएंगे, 1000 लोग लेकर आएंगे। सर आगे अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग की जिला डिस्ट्रिक्ट से स्टेटस मिला है। जी, कोई हमारे साथ में और चले जाते हैं। हमारे हॉस्पिटल में जो चौकी है वहाँ पुलिस तो रहती ही नहीं है, कभी पुलिस तो और टाइम पे आती ही नहीं है। इस चौकी में कम से कम पुलिस की तो व्यवस्था की जाए, 2-4 पुलिस जो ऑन टाइम प्रेजेंट रहेंगे हमारी सुरक्षा के लिए, कम से कम बुलाए तो तुरंत हो जाए। देखिए कल रात में एक एक्सीडेंट के विक्टिम को कुछ लोग लेके आए थे यहाँ इलाज कराने के लिए, उसे चोटें थी, सर में भी चोटें थी, काफ़ी चोटें थी। ये बात करीब 11 बजे के आसपास की होगी मेरे अंदाज से, और उसको जो है तुरंत यहाँ जो चिकित्सक मौजूद थे ड्यूटी में उन्होंने अटेंड किया तुरंत, और उसका जो संभव इलाज था वो किया। आवश्यकता समझी गई कि इसका सीटी स्कैन हो तो तत्काल सीटी स्कैन में शिफ्ट हुआ। तो ये सब चीज़ें तो अलग बात थी, क्योंकि ये तो बाकायदे अपने समय पर जैसे चालू होनी चाहिए थी वो हो गई, किंतु उनके साथ जो आए हुए व्यक्ति थे वो मुझे बताया गया शराब के नशे में धुत थे, और उन्होंने शराब के नशे में उग्र होकर अस्पताल में भारी हंगामा किया, चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार किया, उनको काम से रोका, धमकी दी, कांच फोड़े अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के, और इन सब चीज़ों की घटना की सूचना मिलने पर शाम को हम आए थे और हमने देखा कि वहाँ उन्होंने 3-4 लोग वहाँ रुके, उन्होंने स्वीकार भी किया, हालांकि वो ये कह रहे थे कि हमने नहीं किया, पर ये तो पुलिस का विवेचना का विषय है, पर उनको मौके से पकड़ा गया है, 4 लोग थे। मरीज़ की जहाँ तक बात है तो मरीज़ का इलाज पूरी तरह तत्परता से उसी समय शुरू हो गया था, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई इलाज में कोई देरी हो गई हो इसलिए कोई उग्र हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये शराब के नशे में कुछ शरारती तत्वों द्वारा किया जाने वाला उग्र बर्ताव था, और इसके संबंध में पुलिस को तत्काल बुलाया गया था, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और जो भी कार्रवाई होगी वो। सर कितने संख्या में थे और हॉस्पिटल में टोटल? 10-15 लोग थे बताया, 2-4 लोग तो इधर उधर फिर भाग जाते हैं, पर 10-15 लोग थे, और अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ की है उन्होंने। कितने बजे घटना? ये 11:30-12 बजे के आसपास की बात होगी। मेरे आपने शिकायत की? जी आपने शिकायत की? पुलिस को शिकायत तत्काल पुलिस आ गई थी, देन एंड देयर उसी समय बुला लिया गया उससे। थाना भाई जूनियर लोग भी हड़ताल में जाने के लिए डॉक्टर नहीं, उनको हमने बताया है, उनके भाई उनकी अगर ये मांग है इच्छा है कि भाई इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। देखिए सर आने वाले व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार हैं, स्वयं मालूम है, कानून का ज्ञाता है, सबको मालूम है कि चिकित्सालय परिसर में इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी चाहिए, तो अब कर दिया है उस पर तो कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए, तो तत्काल कार्रवाई हुई, उसी समय पुलिस आई, उसी समय बंद करके ले गई है, उस पर जो आवश्यक लिखा पढ़ी दस्तावेजी कार्रवाई है सो हो रही है। हमने उसी समय चिकित्सकों को कहा था कि आप में से जिनके जिनके विरुद्ध ये सब बातें हुई हैं तत्काल चले जाइए, अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए, वहाँ पुलिस तैयार थी लेने के लिए, तो पुलिस उसी समय भेज दिया था, तो वो कार्रवाई हुई होगी रात में, उसका आगे फॉलोअप मुझे अभी नहीं मिला है, लेकिन शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है ये एसेस कर रहे हैं, अभी हम आकलन करेंगे तो बताएंगे आपको। किसी घायल को कुछ लोग लेके आए थे जिसमें अधिकांश लोग उसमें से नशे के धुत थे,
उन्होंने कुछ हंगामा किया था, फिर पुलिस पहुंच गई थी, उसी समय डॉक्टर लोग भी आ गए। तो वहाँ पे जो भी अपने को मिले उनको उनको पुलिस ने वहाँ से तीन लोगों को पकड़ के लाई, उनको तीन लोगों के खिलाफ 151 की कार्रवाई की गई है उनका मेडिकल कराकर। डॉक्टरों की तरफ से मैं अभी तक कोई रिपोर्ट करने नहीं आया था, तो जो भी पुलिस द्वारा प्रिवेंटिव कार्रवाई की जा सकती है वो कार्रवाई की गई।